हेलो, सलाम अलैकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से सलाम बात कर रहा हूँ कराची से। फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? जस्ट ये पूछना है कि गबन बकरी जब बच्चा देने वाली सोने वाली होगी, उसको आखिरी टाइम में क्या देना चाहिए और बच्चा देने के बाद फौरन क्या उसको खुराक देनी चाहिए? कब उसने देना है बच्चा? अभी सिर्फ 5-6 दिन रह गए हैं उसके। 5-6 दिन रह गए हैं। 5 तारीख को लगाई थी, आज 28 तारीख है। 5 तारीख को, 3 तारीख को, सॉरी 3 तारीख को था, या तो 5 दिन ऊपर हो जाएंगे। कोई नहीं, इस तरह करें, ये जो आखिरी अयाम होते हैं वो बड़े क्रिटिकल होते हैं। इनमें कोई आपने कोई इसको गर्म चीज़ या कोई इस तरह की चीज़ नहीं देनी जो खतरनाक हो, ठीक है? कोई इंजेक्शन वगैरह, एंटीबायोटिक वगैरह, वो कुछ नहीं चीज़ लगानी। अब ये है कि इसको आखिरी दिनों में आपने अलग से बांधें, इसको बांधने से मुराद है अलग से रखें और जिसमें डिस्टर्ब ना करे कोई और। इसको कोई होते हैं ना, बकरे हैं या दूसरे, कितने रखे हुए हैं जानवर? तीन है, तो उनसे थोड़ा सा अलग रखें ताकि इनको डिस्टरबेंस ना हो ज्यादा, ठीक है? और कम सोने के जी, क्या कहा? बाद फोन क्या देना है? जब सोने के करीब, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, तो अभी इसको खुराक वगैरह तो सही दे रहे हैं ना, अब वो दे दें खुराक जो देते हैं। और उसमें खास तौर पे एक कौमी कैल्सी वेट पाउडर बताया हुआ है, वो आप 20 ग्राम वो डाल के जरूर दे दें इसको, वनडे में जो भी है इसका, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही है। वो मेरी जान भले से देते रहें, लेकिन साथ एक पहले से एहतमाम कर लें 3-4 चीज़ों का, जो इसके सफाई और जेर में मदद देगी। और जो ही ये बच्चे जन्म देगी तो उसी के साथ एक आपने काढ़ा बना लेना है, एक सफेद जीरा ले लें। ये सफेद जीरा कोई 20 ग्राम ले लें या 25 ग्राम, और अलसी ले लें 25 ग्राम, और एक मिलती है हाड़ू या हाड़ियों भी कहते हैं, हाड़ू, ये इससे मिल जाएगी पंसार से, ये भी को 25 ग्राम। और उससे अगर गुलाब के फूल की पत्तियां मिल जाएं तो वो 50 ग्राम वो ले लें, सूखी भी। और मीठा सोडा कोई 10 ग्राम डाल लें। इनका काढ़ा बना के ये भी आपने, ये जब बच्चे जन्म दे देगी तो उस वक्त आपने ये काढ़ा बना के इसको थोड़ा नीम गर्म हो तो पिला देना है, ठीक है? और इसको बच्चा जन्म देने के फौरन बाद आपने जितनी भी इसको देनी है ना, आप बाजरा हो गया या गंदम, उसको बॉयल करके उसकी वो बॉयल्ड हालत में देना है, वैसे नहीं देना, ठीक है? नरम गजा। वो बेशक दें, भले दें, लेकिन ना कोशिश करें कि साथ इसको बॉयल करके ये बाजरा या गंदम बॉयल्ड ये आप दें थोड़ी, ठीक है? नरम हो, गुंगनिया उसको कहते हैं, गुंगनिया सी बना लेते हैं, गुड़ बेकायदा डाल लें, थोड़ा सा गुड़ डाल लें, वो दें इसको, ठीक है? ताकि इसको थोड़ी ताकत आए। क्या हुआ? आयल या घी, दूध, जो आयल होता है या
नहीं नहीं कोई अभी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल इसको जाने दें, बिस्मिल्लाह करके नॉर्मल हर चीज इसको खिलाएं, और उसमें निटाफास मैंने कहा सिर्फ वो थोड़ा सा, या कोमी कैल्सीवेट वो थोड़ी सी वो डाल के दे दें, और ये बिल्कुल उसी तरह की समझ लें, हड्डियों का पाउडर अलग चीज है और वो, और डाई कैल्शियम फास्फेट है वो, ये इसमें विटामिन्स भी होते हैं, और इसमें किस चीज के लिए कोई भी हो जाए कोई मसला नहीं है, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसमें नाइट लिखा हुआ है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, इसमें विटामिन्स ये हैं, अमीनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, ये आप वैसे बात कर सकते हैं टेलीफोन पे, आप 11 से 1 बजे तक हूँ, लेकिन आपने चूंकि आपका भी कसूर नहीं है और मेरा भी कसूर नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपकी आपका 20वां नंबर है, तो 19 कॉलें पहले ले चुका हूँ, लेकिन जूं ही मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ कोई कॉल आ जाती है, तो आप प्लीज आप थोड़ा सा, अभी अजान हो गई है, मैं अगर नमाज पढ़ लूँ और मैं बंद करने लगा हूँ, कल इंशाल्लाह 11 से 1 होगा, और वैसे मैं 4 बजे से 5 बजे तक यूरोप के लिए, अमेरिका और जितने भी ओवरसीज लोग हैं वो 4 से 5 बजे कॉल्स करेंगे, ठीक है, और उनकी भी मैं बातें, फिर आपको कोई मसला है तो बताएं, ठीक है, अभी और प्रोग्राम्स देखते जाएं, इसमें मैंने हर चीज दे रखी है कि किस तरह आपने, और जब ही जो ही बच्चे खास तौर पे जब बच्चा जन्म देंगी बच्चे, तो उस वक्त आपने क्या करना है वो आपने देखा हुआ है? हाँ, जमीन जमीन के ऊपर यानी कि उनको जाया करके, और उसके बाद इनको दूध पिलाना है, पहले इनके नथनों में नथने इनको साफ कर देने दें, साफ करके इसके सामने बकरी के सामने रखनी है, ताकि बकरी जो है उनको चाटे, जब जब चाटेगी तो उनको बहुत, नौजायदा बच्चे जितने भी मेमने होंगे ना उनके नाक मुंह और आंखों से झिल्ली वगैरह वो साफ पहले करनी है, फिर इनके नथने जो हैं उनमें थोड़ी फूंक मारनी है, और उसके बाद हर एक मेमने की जो आंवल होती है ना नीचे, जो उसको नाप से एक इंच के फासले पर गिरा देनी है, और गिरा दे के उसके बाद इसको कैंची से, तो कैंची जो लेनी है, कोशिश करें कि स्टेराइल हो, स्टेराइज हो, स्टरलाइज किस तरह करना है, कोई डिटोल के पानी में थोड़ा सा डिटोल पानी है, उसमें थोड़ा सा डिबो डुबो लें, या वो उससे काटना है फिर उसको, उनको उस अमल को है, समझ गए या नहीं, नावल 1 इंच छोड़ के नावल को, और उसके बाद आयोडीन या मिला वो टें पायोडीन मिलती है या टेंचर आयोडीन वो लगा देना है, और फिर उसके बाद आप बच्चों को माँ के आगे रख दें तो वो बच्चों को खूब चाटेगी, वो चाटेगी तो अपनाइयत का एहसास फिर होगा, फिर उसके बाद आपने दारें थोड़ी सी जाया पहले करनी है शुरू वाली, और वो भले जमीन पे ही मार दें किसी का वो बर्तन में मार के जाया करके, फिर उसके बाद दूसरी वाली जो होती है ना उसको बोली कहते हैं, वो बोली इसको पीने दें और खूब पिलाएं, हर एक को अलग अलग पिलाएं हर बच्चे को, ताकि वो उससे इनके जिस्म में जो जितनी भी बीमारियां हैं उनके खिलाफ कुव्वत मदाफियत तो बढ़ जाती है, और ये मेरी जान एक बड़ा सिंपल सा है, लेकिन आप जितना केयर करेंगे जितना इनका ख्याल करेंगे अल्लाह ताला भी कबूल फरमाने वाला है, वो आपको भी सवाब देगा और मुझे बताने भी हो सकता है मुझे भी अल्लाह ताला बख्श दे, ठीक है, बिस्मिल्लाह, दुआओं दुआओं में याद रखे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ, सही मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। पाकिस्तान
हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।